आप देख सकते हो ये रास्ता कितना गंदा है, यहाँ से मोटरसाइकिल निकल रही हैं। वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी 10-12 दिन से। तो आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए घर से निकला हूँ अपने खेतों की तरफ। चलो आज का ब्लॉग अपने फार्म की तरफ बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरे फार्म को जो रास्ता जा रहा है और लेके चलता हूँ अपने फार्म पे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये नदी के किनारे से रास्ता जा रहा है, आप ऊंचे नीचे पहाड़ से देख रहे होंगे। ये सब यहाँ सब खनन हो चुका है इसलिए गड्ढे बने हुए हैं ज़्यादातर। जब यहाँ काम चलता खनन का तो काफ़ी चलता है, जब पट्टे आते हैं तो प्रवल्टी के टाइम पे। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है हमारा फार्म, जो हमारा घर है खेतों की तरफ। आप यहाँ का नज़ारा देखो, यहाँ पानी आया था थोड़े दिन पहले इसलिए थोड़े ऊंचे नीचे पहाड़ से बन गए हैं। इस टाइम भी हल्का हल्का पानी है, ये हमारी छोटी पथरी में चल रहा है। पानी कम और दलदल ज़्यादा हो गई है नदी में इस टाइम, कोसी नदी में। आप देख सकते हो ये रास्ता कितना गंदा है, यहाँ से मोटरसाइकिल निकल रही हैं। अब यहाँ से हम मोटरसाइकिल निकालेंगे कितने गंदे रास्ते से। ये हमारे गांव का लड़का है, पप्पू नाम है इसका। देखो दोस्तों बहुत ही गंदा रास्ता हो रहा है बरसात की वजह से। इस रास्ते से हम जाते हैं खेत में क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, 2-3 किलोमीटर। अगर ऊपर से जाए रोड तो वो हमें लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए हम इस रास्ते से जाते हैं। गारा ही गारा हो रहा है, गंदे रास्ते हैं। दोस्तों ये क्रेशर वाले रास्ते हैं, थोड़ा रास्ते भी ऐसे ही हैं, थोड़ा हम नज़दीक आ चुके हैं खेत के। और यहाँ भी थोड़ा रास्ता ऐसे ही है, ये किनारे किनारे बना रखा है, ये क्रेशर का रास्ता है। बस हम नज़दीक ही हैं, बस पहुँचने वाले हैं अपने खेत की तरफ। गाय सिस्टम आ चुके हैं हम अपने खेत की तरफ और अभी आपको हम सामने से दिखाते हैं अपना घर और अपना खेत। दोस्तों इस टाइम हम अपने खेत में हैं और ये सामने मेरे ताऊ जी का घर है और ये हमारा खेत है, हमने आम के पेड़ लगा रखे हैं खेत में, आप देख सकते हो आम के पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। बगिया लगा रखा है, इस टाइम थोड़ा वाटर लेवल ऊपर आ गया है, थोड़ा पानी खड़ा है खेत में। और बाकी हमने बिजली की तार भी काफ़ी दूर से लगानी पड़ रही है, इसमें भी काफ़ी हमारा मीटर में खर्चा बैठा है। आप सामने देख रहे होंगे हमारा घर दिखाई दे रहा है खेत में।
ये सामने हम एक फार्म बना रहे थे जिसमें अभी क्रेशर वाले ने रोक लगा दी है। थोड़ा क्रेशर से हमारी खटपट चल रही है जमीन के मामले में। अभी आपको और आगे लेके चलते हैं, हमारा छोटा सा घर दिखाते हैं जो खेत में बना हुआ है फार्म। दोस्तों ये हमने धान लगा रखे हैं और एक किनारे पे हमने पेड़ लगा रखे हैं। ये मेरे दादाजी पंजाब से आए हैं जो बैठे हैं। ये दूसरी तरफ क्रेशर है और ये हमारे पास में ताऊ जी का खेत है जहाँ बड़ा बड़ा चारा खड़ा है और ये धान खड़ा है और ये फूल और हमारे दादाजी बैठे हैं। पंजाबी में बात कर रहे हैं कि अभी याद कर रहे थे, आप ही आ गए पंजाबी में बोल रहे हैं। दोस्तों ये हमारा नल और ये हमारा कमरा है, टीन सेट डला हुआ है और बाकी मेरे पापा काम पे गए हुए हैं और दादाजी मेरे बैठे हैं, पंजाब से आए हैं और यहाँ ये पेड़ और फूल लग रहे हैं। पीछे धान लगाए हैं बराबर में, देखो में स्टोन क्रेशर है। ये पीछे बाथरूम बना रखा है और पीछे भी धान लगा रखे हैं और आम के पेड़ लगा रखे हैं। दोस्तों अगर हमारा घर और खेत अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही है, कल आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग लेके आएंगे क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी इसलिए कहीं जा नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।